आपका जो 30 डे का चैलेंज आपने लिया था, जो अलग अलग तरह का आपने इंडियन फोक आर्ट किया है, जिसमें कई तरह के, इंडिया ब्यूटीफुल ही इसलिए है क्योंकि उसमें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट अटायर उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं, डिफरेंट आर्ट उसको ब्यूटीफुल बनाता है। तो क्या हम देख सकते हैं मैम, जो आपने 30 दिन का चैलेंज लिया था उसमें आपने कौन कौन से आर्ट को ट्राई किया था? जी बिल्कुल। तो इसमें मैंने चूज किया था हर एक रीजन का एक जो ट्राइबल आर्ट हो या फिर फोक आर्ट हो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और उस 30 डेज में 30 किस्म के अलग अलग आर्ट फॉर्म को मैंने पिक्चराइज किया। तो ये है वारली आर्ट, वर्ली इसमें आर्ट जो जी ये है वो बनाया, पिक्चराइज किया हुआ है। इनके बॉर्डर्स में आप पंछी या फिर पशु उन सब का ये देख सकते हैं। यूजुअली इनमें ट्रायंगल्स, सर्कल्स और स्क्वायर्स का इस्तेमाल ही होता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स ही मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो उसके बाद उसमें ओके दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग अपना रेगुलर डे टू डे लाइफ में क्या क्या करते हैं। जैसे ये यहाँ पे मुंबई की देखो आर्ट है ना, आई थिंक जी, महाराष्ट्र की फेमस आर्ट है। तो महाराष्ट्र इसमें में आप देख जी। सकते हैं ट्रम्पेट कोई बजा रहा है, इसमें ढोल बज रहा है, फिर कोई नाच रहा है, या इस तरीके से रेगुलर लाइफ में जो जो होता है वो सब डिपिक्ट करते हैं इस वॉर्ली आर्ट में। तो ये एक आर्ट फॉर्म हुआ। बहुत अभी ब्यूटीफुल बनाया अब आपने जी ये है उड़ीसा जी। का पटचित्रा आर्ट। तो इसमें यूजुअली गॉड्स और ओके गॉडेसेस, जो देवी देवता, उन लोगों का ये बनाया जाता है, आर्ट में दिखाया जाता है। उनके जैसे नृत्य हो या फिर उनका जो फॉर्म होता है उसको इस तरीके से दिखाया जाता है पटचित्र आर्ट जी में। हुआ तेलंगाना आंध्र प्रदेश का कलमकारी आर्ट। कलमकारी में ओके एक बहुत सारी डाइज का इस्तेमाल होता है, रेड ब्लू ग्रीन, इन कलर्स को आप मेजोरिटी में देख सकते हैं। इस टाइप के आर्ट को आप बहुत सारी साड़ियों में जी दिखाई देता है, साउथ इंडियन आंध्र से जो साड़ी ये होती है जी कलमकारी मैम साड़ी, उसमें दिखाई देता है ऐसा डिजाइन। ये है सांची आर्ट। सांची आर्ट एक आर्ट है बिहार उस साइड से, और ये है स्टेंसिल आर्ट भी बोलते हैं इसको। जैसे आप देख सकते हैं सब कुछ स्टेंसिल के ऊपर, अगर स्टेंसिल को रख के आप पेंटिंग करेंगे तो कैसा दिखेगा, उस टाइप का है इसमें। इसमें डिपिक्ट किया हुआ है श्री कृष्ण कालिंगा के ऊपर जो नृत्य कर रहे हैं उसका हाँ, जो डिपिक्शन है ये नृत्य कर रहे थे जी। जी। ये है फड पेंटिंग, ये राजस्थान का फेमस पेंटिंग है। तो जी उनके इसमें जो जो होता है, जैसे राजा महारानियों का जैसा ये होता है, उनका पैलेस, उनके आसपास की जो जो दृश्य होते हैं वो सब देखने को मिलता है। जी तो इस तरीके से बहुत सारी आर्ट फॉर्म को मैंने ये किया हुआ है। ये है कावी कले, ये मलनाड रीजन में जी मैंगलोर और सब के इसमें बनता है। ये मेनली रेड ऑक्साइड के वॉल्स में बनाई जाती हैं, और ओके टेम्पल्स के वॉल में और टेम्पल्स के जो सीलिंग में आपको दिखाई देगा इस टाइप का जो वॉल पेंटिंग टेक्सचर है, ओके जी म्यूरल पेंटिंग है। और ये है सौरा आर्ट, ये भी एक ट्राइबल आर्ट है। तो मोस्टली आपको जैसे हॉर्स, एलिफेंट और ऐसे एनिमल्स के ये दिखाई देंगे, और ये भी वॉर्ली आर्ट के जैसा ही है, सिमिलर स्क्वायर्स ट्रायंगल्स उसको बेस रख के बनाया जाता है ये सौरा आर्ट जी जी। ये खोबार पेंटिंग है, मधुबनी का एक आर्ट फॉर्म है ये। ये भी ओके मधुबनी रीजन से बनाई है ये। जी यूजुअली वेडिंग्स होते हैं तो उस टाइम पे ये बनाई जाती है, उनके जो कपल जो है उनके वॉल के ऊपर बनाया जाता है ये खुबार ओके आर्ट, कहाँ पर बनाई जाती है ना? मधुबनी रीजन में बिहार ओके मधुबनी में बिहार। ओके ओके जी। जी ये है केरला म्यूरल पेंटिंग। जी
इस ये म्यूरल्स है, जनरली केरला के म्यूरल्स बनाए जाते हैं, मोस्टली शिव ओके पार्वती या फिर उनके देव देवताओं का ये रहता है। यूजुअली येलो ऑरेंज ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, और जी म्यूरल्स जैसे बनते हैं वॉल आर्ट में जैसे बनते हैं, ये भी वही इस्तेमाल होता है। ये आपने अर्धनारीश्वर बनाए हैं जी, जी। और ये हुआ गोंद आर्ट, ये भी एक ओके ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। इसमें मोस्टली ऐसे आप देख सकते हैं सर्कल्स और ये डिजाइन्स ऐसे बनते हैं, और सब डिजाइन के ऊपर आपको लाइंस और डॉट्स दिखाई देंगे हर जगह, तो पूरा उनका जी ड्रॉइंग बनता है, उसके ऊपर पूरा डॉट्स और लाइंस से भरा जाता है। ओके okay। ये है टिकुली आर्ट जी जी, और इसमें दिखाया गया है एक वेडिंग का दृश्य, जो डोली लेके जा रहे हैं, तो ये पहले जो डोली लेके भी जाते थे दुल्हन को बिहार जी। जी। और इसको बोलते हैं पैथानी, ओके पैथानी ये भी महाराष्ट्र से है। ये है शेखावती, जैसे पंजाब रीजन और नॉर्थ के साइड का ये है पेंटिंग है उनका वॉल का। ये भी ओके देखेंगे अगर हम, तो ये ऐसा जो मार्बल और इसका पेंटिंग रहता है, तो वो उसके ऊपर बनाया जी जाता है यूजुअली, और ग्रेनाइट का जो ये रहता है वो ऐसे बनता है। इस पैटर्न में बनाते हैं जी। और ये है चेरियाल पेंटिंग, सॉरी ओके चेरियाल, ये तेलंगाना और साउथ का इसका फेमस पेंटिंग है, और ये गंजीफा आर्ट है, इस तरह की है। गंजीफा आर्ट मैसूर का बहुत फेमस पेंटिंग है, और इसको जी। इसका स्पेशलिटी है कि वो छोटे छोटे कार्ड्स के की तरह बनाए जाते थे ये वाले पेंटिंग्स, ओके और उन कार्ड्स को उस जी जमाने के राजा रानी बैठ के खेलते थे, तो अलग अलग तरीके के डिजाइन जो है वो कार्ड के शेप में छोटे छोटे स्क्वायर या राउंड के हिसाब से बनाए जाते। तो जैसे जैसे हम ये सब पेंटिंग बनाती थी मैं, तो मुझे उस रीजन और उस इंडिया का भी बहुत सारा कल्चरल हिस्ट्री और ये सब बिल्कुल जानने का बहुत अच्छा मौका मिला था सीखने को इसको। मिलता जी, कालीघाट जी। पेंटिंग, तो मोस्टली दुर्गा माँ सरस्वती ओके जी और का ये रहता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल उस साइड से ये जुड़ा है। ये है पिछवाई आर्ट, जो राजस्थान का एक फेमस आर्ट फॉर्म है, तो ये गाय जी मोस्टली पिछवाई आर्ट में आप देख सकते हैं गाय, जो पिंक बैकग्राउंड में या फिर येलो ऐसे इसमें आपको दिखाई देगा, और कमल का बहुत ये रहता है, महत्व रहता है उनके पेंटिंग्स में ये, और ओके श्रीनाथ जी का ये बनाया जाता है, ये गाय और श्रीनाथ जी का मेनली उनका पेंटिंग्स है। इसको बोलते हैं तोलू बोम्मल आटा, ये साउथ ओके इंडियन का आंध्र प्रदेश का एक फेमस आर्ट फॉर्म है, वो जैसे जी पपेट्री बोलते हैं वो, तो उनको हाँ स्ट्रिंग्स बना के ये पपेट बनाते करते हैं, इसको डिपिक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर वो लोग बहुत सारा लाइट भी लगाते हैं पीछे से, तो जब इसको मूव करते हैं वो पपेट स्ट्रिंग, तो वो लाइट का भी रिफ्लेक्शन उसके ऊपर से निकलता है, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो जी मैम बहुत खूबसूरत लगता है। परफेक्ट आई हैव कवर्ड, तो ओके ये जी जी बहुत ही दिखाइए एक्सपीरियंस था, ये जो 30 डेज का चैलेंज रूम मैंने लिया था, बहुत सा कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ पढ़ने को मिला, तो हमारे कल्चर में बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं ये सब देखने के बाद, लग रहा है कितना बिल्कुल वैरायटी ऑफ थिंग्स है ना हमारे इंडियन कल्चर में।
बिल्कुल। और मुझे ये मैं कहूंगी यहाँ पे कि मुझे ये सोच के कभी कभी बहुत दुख होता है कि इंडिया में इतनी तरीके के आर्ट है, इतनी ब्यूटी हमारे देश में है, लेकिन हम लोग अपनी ब्यूटी की अच्छे से मार्केटिंग आई थिंक नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बाहर से, कोई अब्रॉड से, कोई फॉरेन में मंडाला आर्ट बनाता है या फिर वर्ली आर्ट बनाता है, तो उसको हम लोग खरीदना पसंद करते हैं। अगर इंडिया में कोई बिल्कुल इस तरीके का आर्ट बना रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, तो उसको मतलब जितना वो डिजर्व करती है आर्ट, उतना उसको प्लेस नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि इंडिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, फुल ऑफ कल्चर, फुल ऑफ ब्यूटी। तो ये जब अभी आपने दिखाया है, आई एम स्पीचलेस एक्चुअली। इतना सुंदर सुंदर आपने बनाया है डिफरेंट कल्चर को, जो डिपिक्ट करता है डिफरेंट हमारे जो प्राचीन काल से जो चली आ रही है चीजें, उनको देखना एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपने दिखाया। मैम आई थैंक होप कि आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हों और अपने कल्चर के बारे में पढ़ें, अपने कल्चर के बारे में सीखें और उसको एक रेस्पेक्ट दें। जी मैम, तो जी, बिल्कुल आपने जो बोला कि वो प्राइस, उसमें प्राइस मनी कुछ नहीं था 30 डे के चैलेंज में, लेकिन मैं कहूंगी कि ये प्राइसलेस है। आपने इससे इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ आपको इसके बारे में पता है, इतने अच्छे से आपने इसको निभाया, 30 दिन तक आपने नई नई चीजें सीखी, नए नए इंडियन आर्ट को ड्रॉ किया है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसके थैंक लिए यू मैं मैम। आपको गोल्डन मैंगोरियल स्टोरीज की तरफ से हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ कि कम से कम आपने ये अटेम्प्ट लिया, तो उसके लिए थैंक आपको यू। बहुत बहुत हैट्स ऑफ और दिल से मैं बोल रही हूँ। ओके मैम।